हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एमटी एक्सप्लेन्ड। तो दोस्तों, सिंघम का वनवास अब खत्म हो चुका है, रावण का भी दहन हो चुका है और दुश्मन के नाम पर सिर्फ उमर हफीज ही बचा है, जो कि गाइस अब जेल में है, अपने बेटों को खो चुका है और अब तो पोते को भी खो दिया है। बदले के चक्कर में पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी और बची हुई जिंदगी अब जेल में ही काटेगा। और अब बात ये उठती है कि अब सिवा स्क्वाड, जो कि अजय देवगन की जो नई टीम है, उसको ये टाइटल दिया गया है। तो गाइस, अब ये सिवा स्क्वाड आगे जाकर क्या करेगी, इसका फ्यूचर क्या होगा, यानी कि कॉप यूनिवर्स का अब आगे फ्यूचर क्या होने वाला है। दोस्तों, मूवी का जो पोस्ट क्रेडिट सीन है वो हम लोगों को बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट करता है, बट उसका भी अपना एक मतलब भी बनता है कि आगे अब हमें चुलबुल पांडे सिंघम के साथ कॉप यूनिवर्स में मिशन चुलबुल सिंघम करते हुए दिखाई देंगे। बट हम लोगों के पास अभी भी कॉप यूनिवर्स में एक परफेक्ट विलन नहीं है, जो कि दिल दिमाग गुर्दा जिगर हर जगह से सोचता हो, जो कि एक बहुत ही चालाक विलन हो जिनकी तरह, यानी कि हमारे कॉप यूनिवर्स का जो मेन विलन होना चाहिए वो मसल्स और दिमाग दोनों से बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। और दोस्तों, अब कॉप यूनिवर्स में सुपर नेचुरल पावर्स भी आ चुकी हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट टैगर श्रॉफ मींस ACP सत्या। यस गाइस, टैगर श्रॉफ के कैरेक्टर को जिस तरह से उनकी माँ इंट्रोड्यूस करती हैं कि सांप के काटने से भी इसको कुछ नहीं होता है और इसके साथ ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं कि लोग बिलीव नहीं करते, यानी कि उसके अंदर कोई सुपरनेचुरल पावर है। अब उसकी माँ ने सांप का जिक्र किया था, तो हो सकता है कोई नाक की शक्ति भी हो सकती है, लेकिन अब सुपरनेचुरल पावर भी हम लोगों को कॉप यूनिवर्स में देखने को मिलेगी, जो कि पर्सनली मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। अगर इसे नई चीजें और नई टेक्निक के साथ दिखाएं तो आगे चलकर ये एक नया फ्यूचर भी बन सकता है कॉप यूनिवर्स का। और दोस्तों, मुझे एक चीज और बहुत ज्यादा पसंद आई और वो थी रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स का नया लोगो, जो कि पर्सनली मुझे तो काफी अच्छा लगा। और इसी के साथ दया को इन लोगों ने ऊपर नहीं भेजा, सिर्फ घायल करके हेलीकॉप्टर से ऊपर भेजा, और वो चीज सबको अच्छी लगी क्योंकि सब लोग सोच रहे थे कि कहीं दया मर ना जाए इस मूवी के अंदर। और दोस्तों, डिसअपॉइंट होने की वजह दो चीजें थी। पहली चीज, टी सीरीज ने जो स्ट्राइक मारी उसकी वजह से सारी BGM चली गई और इस चीज ने ऑडियंस को बहुत निराश किया, क्योंकि भाई वो BGM जो था वो सिंघम का आइकॉनिक BGM था। और दूसरी चीज जिससे ऑडियंस बहुत ज्यादा निराश हुई वो ये थी कि लोग सोच रहे थे कि सिंघम और चुलबुल का टाइगर और पठान जैसा एक्शन देखने को मिलेगा, तो वो भी गाइस हम लोगों को देखने को नहीं मिला। तो रोहित शेट्टी एक मोशन पोस्टर या फिर कोई हिंट दे देते तो वो चीज इस कैमियो से काफी ज्यादा अच्छी होती, जैसे कि चुलबुल पांडे की परछाई दिखा देते या फिर उनका आइकॉनिक सनग्लास दिखा देते। और अगर भाई ये सीन दिखाना ही था तो साथ में चुलबुल पांडे का आइकॉनिक BGM भी बजा देते, तो लिटरली मैं बता रहा हूँ कि ऑडियंस पागल हो जाती, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब भाई ये लोग इतने समय से क्या कर रहे थे, आई डोंट नो। अगर 24 घंटे भी शूट कर लेते ना तो कम से कम 35 से 40 सेकंड का कैमियो तो शूट हो ही जाता, बट पता नहीं भाई रोहित शेट्टी के दिमाग में ऐसा क्या था, इससे बेहतर तो चुलबुल पांडे को ये लोग दिखाते ही नहीं, तो मेरे अकॉर्डिंग वो ज्यादा बेटर होता। बट तुम बताओ कि तुम लोगों को सिंघम अगेन में कौन सी चीजें अच्छी लगी। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल पर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।